शांति के दूत कहे जाने वाले प्रेम रावत के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैरा बाजार में विश्व शांति दिवस के मौके पर रैली निकाला गया। यह रैली नगर के बिचली बाजार से होते हुए पुरानी बाजार स्टेशन रोड मझौली चौक सिपुरमठिया मझौली चौक थाना रोड होते हुए फिर बिचली बाजार में जाकर खत्म हुआ। इस दौरान श्री वल्लभ जसवाल ने कहा कि लोगों को शांति और सद्भाव की काम करने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए लोगों को मिलकर काम करना होगा और हिंसा के बिना समस्याओं का हल करना होगा। वही अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत का बढ़ावा देकर ही लोगों के बीच मैसेंजर ऑफ पीस शांति का संदेश दे सकता है। सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रेम रावत ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक देशों के सैकड़ों मिलियन लोगों तक अपने शांति का संदेश पहुँचाया है। रैली में श्री वल्लभ प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, विक्रम प्रसाद, राजन कुमार, नीरज वर्मा, अशोक पांडे, परसनाथ यादव, बेबी देवी, शारदा देवी, पूनम प्रसाद, हीरामती देवी, सरस्वती देवी, पूनम कुमारी प्रजापति समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। शांति मार्च निकालने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोग विश्व शांति दूत मिस्टर प्रेम रावत जी के फॉलोअर्स हैं और उनका संदेश जन जन तक पहुँचाना उनका लक्ष्य है और उन्हीं के इस संदेश को हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। क्या क्या संदेश है जो लोगों के बीच अपने उनका मूल संदेश है कि जो वास्तविक सुख और जो शांति है वो हमारे ही अंदर है। और कार्यक्रम भी आप लोगों का होता है और ये और उस शांति का अनुभव हम युद्ध के मैदान में भी कर सकते हैं। क्या जो रावत जी हैं उनके उनके बारे में थोड़ा बताइए विस्तृत रूप से। मिस्टर प्रेम रावत जी विश्व शांति दूत के नाम से भी जाने जाते हैं और उनका संदेश दुनिया के 110 देशों में लगभग प्रचार प्रसार होता है और लगभग लोग जुड़े हैं और इससे आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। कैसे आप लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग? वही हम लोग ये मीडिया के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, मिस्टर प्रेम रावत ऑफिशियल चैनल है उनका यूट्यूब पे और टाइमलेस टुडे ऐप है उनका जिस पे उनका प्रोग्राम आता है और premrawat.com है जो जिस पे उनकी वेबसाइट है निजी, उस पे सारी विस्तृत जानकारी है। कार्यक्रम ये आप लोगों का होता है जी। आज इस जो आप लोग रैली निकाले हुए थे, इसके रैली के माध्यम से लोगों के बीच में क्या संदेश पहुंचेगा? रैली के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी समझें, जानें और अपने जीवन में उस सुख का, उस शांति का अनुभव करें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नीरज वर्मा, मैं गुठनी से हूँ। नगर में रैली निकालने का उद्देश्य है कि हम सभी जन जन तक शांति का अनुभव कर सकें और शांति का अनुभव हम लोगों के अंदर सारी समस्या का जड़ अशांति है और उस अशांति को लेकर के हम लोग सारा कार्य करते हुए बेचैन अवस्था में रहते हैं और प्रेम रावत जी उसी अशांति को शांति में बदल देने के लिए वो अपना पैगाम किए हुए हैं। कैसे लोगों को अशांति से शांति हो सकते हैं? वो प्रेम रावत जी इसका पैगाम कि वो स्वयं जो है ना अपना कार्य स्वयं करते हैं और हर जगह देश विदेश सब जगह जो है ना उनके फॉलोअर हैं और केंद्र चलता है, वहाँ लोग आते हैं और उस चीज़ का अनुभव करते हैं हर जगह से। अपना निजी वेबसाइट वो खुले हुए हैं और ऐप टाइमलेस टुडे ऐप है, इस माध्यम से वो सभी के सभी लोग इसमें युद्ध में लड़ते हुए उस शांति का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। कार्य तो दूर की बात हुई। लगभग कितने यूजर्स हैं उनके, फॉलोअर्स उनके कितने हैं? उनके फॉलोअर्स तो लाखों में हैं, इंडिया में लाखों, कितने लाख में है, करोड़ों में है और उनका 7.5 अरब अगर जनसंख्या है पूरे विश्व का, तो उनका पैगाम है कि 7.5 अरब हर जन जन तक ये शांति का संदेश पहुंच सके। लगभग आप लोग कितने लोगों के बीच आप लोग ये संदेश पहुंचा चुके होंगे? हम लोग लगभग सिवान जिला में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों को संदेश पहुंचा चुके हैं जिनमें फॉलोअर्स 6,000 से ऊपर हैं सिवान जिला में। अच्छा, मैरवा में टोटल कितना है? मैरवा में 300, केवल मैरवा में 300 फॉलोअर हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे, सिवान का रहने वाला हूँ। आज की जो रैली निकाली गई इसमें प्रमुख यह हम लोगों का उद्देश्य था कि जो प्रेम रावत जी का जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है इसको जन जन तक प्रेम रावत जी का लक्ष्य है पहुंचाना,
तो हम लोग शांतिपूर्वक इस रैली को मैरवा बिजली बाजार मझौली चौक और भी मार्ग से होते हुए हम लोग पुनः बिजली बाजार में पहुँचे और यह शांति जो दूध के नाम से जो प्रेम रावत जी जाने जाते हैं पूरे संसार इनको शांति दूध के नाम से जानता है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वे शांतिपूर्वक इस रैली को देख करके हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यह रैली वास्तव में शांति दूत के नाम से जो जाने जाते हैं उनके हृदय में शांति का अनुभूति कराए हैं। क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से लोगों को? संदेश यही देंगे कि मेरे अंदर शांति है, मैं उनके संदेश को सुनता हूँ, मेरा जीवन अपने आप में सफल है, तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे ही जैसे सारे लोगों के जीवन में हर्षोल्लास हो, सुख हो, शांति हो, अशांति से दूर रहे। लगभग विश्व में कितने की संख्या में लोग इनको चाहने वाले हैं? विश्व में लगभग करोड़ों में है, मैं गिनती तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन करोड़ों में है। गया में जो कार्यक्रम हुआ था सबसे वृहद कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में लगभग 5,00,000 लोगों ने अपना 5,70,000 लोगों ने इस संदेश को सुना और उसमें गिनीज बुक में एक नया रिकॉर्ड भी उनका मिला उनको इस संदेश के माध्यम से। लगभग कितने की संख्या में इस रैली में लोग शामिल थे? इस रैली में लगभग 200 की संख्या में थे लोग। किन किन मार्गों से होकर के आप लोग कह रहे हैं? बिजली बाजार, पुरानी बाजार, मेन रोड, मझौली चौक और थाना रोड होते हुए पुनः हम लोग वापसी बिजली बाजार में आ गए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम प्रसाद, निर्देशक सह प्राचार्य ज्ञान निकेतन मैरवा। बहुत सुंदर रैली निकली और सभी लोग अनुशासित होकर के और इसमें कतारबद्ध होकर के और सचमुच में यह महसूस हो रहा था कि वास्तविक शांति उनके अंदर है। बहुत ही अनुशासित ढंग से सभी लोग उसमें जो भी फॉलोअर्स थे वो चल रहे थे। आप लोग का रैली किन किन मार्ग से होकर के गुजरा है? यहाँ रैली आप लोग का कहाँ से निकला? हाँ, बिजली बाजार स्थित जो केंद्र है उस केंद्र से होते हुए और पुरानी बाजार होते हुए स्टेशन चौक होते हुए भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा तक, फिर वहाँ से वापस होकर के मझौली चौक होते हुए मझौली रोड होते हुए थाना रोड होते हुए और अपने पुनः केंद्र तक पहुँचा है। देखिए जो आप कह रहे हैं शांति की बात, तो यह रात दिन हमारे अंदर महाभारत हो रहा है और यह कभी आज महाभारत बंद नहीं हुआ है। आज जो प्रेम रावत जी का संदेश है वो है कि इस रात दिन इस लड़ाई के मैदान में भी हम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं और वो उनका ऐसा है कि बाहर का शोर बंद करके अंदर की तरफ वो मोड़ देते हैं और उस प्रक्रिया से आदमी परम शांति का अनुभव करता है और धीरे धीरे उसमें बहुत बड़ा स्वाभाविक स्वभाव में परिवर्तन आता है, जो दुर्गुणों से दूर होकर के सद्गुणों की तरफ झुकता है और वास्तविक शांति का अनुभव करने लगता है। अपना परिचय बता दीजिए। श्री वल्लभ प्रसाद मैरवा।